पाकिस्तान 22 करोड़ के लोग हैं और बदकिस्मती से हमारे ऐसे लीडर हैं वो कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी कि अगर हम मकरूज हैं तो हम गुलाम हैं, तो इसका मतलब हम सारी जिंदगी गुलाम रह जाएंगे। या वो कहें कि जी अमेरिका ने लाइफ सपोर्ट मशीन पर डाला हुआ। जब आपकी लीडरशिप पे ऐसे लोग आ जाते हैं वो सारी कौम का पोटेंशियल ख़त्म कर देते हैं। कौम देखे ना जी, कौम तो उठती है एक खुददारी के ऊपर, एक नज़रिए के ऊपर, कुर्बानियाँ दे के ऊंच नीच से गुजरती है वो। लेकिन कौम कभी भी, वो कहते हैं ना, तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। आप घुटनों के बल चल के कभी भी कौम नहीं बन सकते। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, ये कौम कभी भी खड़ी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये इसमें पोटेंशियल है, अजीम लोग हैं अभी पाकिस्तानी, बड़े बड़े मैंने अजीम लोग देखे, ज़्यादातर मुल्क से बाहर गए हुए, लेकिन कौम अभी तक अजीम नहीं बनी। तो जिस वक्त ये कौम उस तरफ निकल गई, जो रास्ता मैं समझता हूँ कि मदीना की रास्ते का रास्ता अमर बिलमारूफ का, एक दफ़ा कौम ये खड़ी हो गई, 22 करोड़ लोग हैं, टैलेंट है इनके, पैसा बेतहाशा है, मुल्क गरीब है, लोग अमीर हैं। जैसे ही इन्होंने फैसला, कौम जब कौम बनती है ना, वो पैसे भी इकट्ठे कर लेती है, वो अपने मसले भी हल कर लेती है, वो सारी दुनिया के सामने भी खड़ी हो जाती है, उसको कोई नहीं हरा सकता था।